हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जाना हमारे भवचक्कर के पायलट प्लैनेट सूर्य के बारे में, सन प्लैनेट के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में हमने हर तरह की जानकारी जो आपको जाननी चाहिए थी अपने वीडियोस के थ्रू आपको देने की कोशिश की। आज से हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सबसे नजदीक प्लैनेट हमारे धरती प्लैनेट के साथ, हमारा अर्थ प्लैनेट के सबसे नजदीक प्लैनेट चंद्रमा के बारे में। आपको मालूम है कि चंद्रमा भी ल्यूमिनरी प्लैनेट है और सूर्य भी ल्यूमिनरी प्लैनेट है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेके आपको अपनी रिफ्लेक्शन पावर के थ्रू दिखाई देता है। चंद्रमा एक रोचक प्लैनेट है जिसका मित्र, जो यदि हम देखे जाएं, चंद्रमा के मित्र प्लैनेट सूर्य और बुध हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि केवल चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई दुश्मन प्लैनेट नहीं है, कोई दुश्मन ग्रह उसका नहीं है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र व शनि इसके लिए न्यूट्रल माने जाते हैं। या ये कहिए कि चंद्रमा मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को और शनि ग्रह को न्यूट्रल अवस्था में मानता है, सम अवस्था में मानता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। वृषभ राशि में 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में समझा जाता है। वृषभ राशि में यानी कि टॉरस राशि में 3 डिग्री पर वो उच्च का होता है, उच्च का माना जाता है। या यदि ये कहें कि टॉरस राशि में 3 डिग्री पर वो एग्जाल्टेड माना जाता है, उच्च का माना जाता है। वृश्चिक राशि 3 डिग्री पे इसकी नीच राशि मानी जाती है। यदि हम कला और किरणों की बात करें तो चंद्रमा के पास 16 कला और 8 किरणें होती है। यदि हम सेक्स ऑफ द प्लैनेट की बात करें, लिंग की बात करें, तो चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है, स्त्रीलिंग का प्लैनेट है। यदि हम दिशा की बात करें तो चंद्रमा उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी है। यदि हम भाग्य रत्न की बात करें, लक्की स्टोन की बात करें, तो चंद्रमा का मोती या मून स्टोन दोनों ही रत्न आप धारण कर सकते हैं। भाग्य संख्या की बात करें तो 2, 11 और 20 जिसका सम टोटल 2 हो जाता है, भाग्य संख्या मानी जाती है। यदि हम चंद्रमा के अधिदेवता की बात करें तो माता दुर्गा, माता पार्वती और माता गौरी चंद्रमा की अधिदेवियां या अधिदेवता माना जाता है। यदि हम बीज मंत्र की बात करें तो ओम स्रां श्री सौं सह चंद्र देवाय नमः 11,000 बार पाठ करने से चंद्रमा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दान की वस्तुओं की बात करें, चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, श्वेत वस्त्र, फूल या चंदन, सोमवार को सायंकाल सूर्य के रहते दान करने से चंद्र ग्रह की खुशियां प्राप्त की जा सकती है। यदि हम रंग रूप की बात करें तो कफ प्रकृति का शरीर, कफ नेचर का जो शरीर गठन होता है, आकृति गोलाकार होती है, मन को प्रसन्न करने वाली आंखें होती हैं। चंद्रमा डोमिनेटिंग पर्सन की आंखें इतनी अच्छी होती हैं कि जो भी उसको देखता है उसका मन प्रसन्न होता है। ये हसमुख प्लैनेट है और अति कामुक प्लैनेट है। ये अस्थिर विचारों वाला प्लैनेट माना जाता है। यदि हम रोग की बात करें कि चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो हृदय रोग, फेफड़े के साथ संबंधित रोग, दमा रोग, अतिसार रोग, दस्त, गुर्दा से संबंधित रोग, ज्यादा मूत्र आने का रोग, पीलिए का रोग, अपेंडिसाइटिस का रोग, गर्भाशय से संबंधित रोग, महावारी की इरेगुलरिटी, चर्म रोग, रक्त की कमी, नाड़ी मंडल का रोग, निंद्रा रोग, खुजली का रोग, रक्त दूषित होने का रोग, फफोले होने का रोग, ज्वर, तपदिक, अपच, बलगम यानी कि कफ, जुकाम, सूजन, सिंग वाले जानवरों और जल से भय चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति को बना रहता है। गले की समस्याएं चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति को हो सकती है, उदर पीड़ा हो सकती है, फेफड़ों में सूजन हो सकती है, जलोदर रोग हो सकता है, मैथुन का रोग हो सकता है और क्षय रोग भी हो सकता है। चंद्रमा हमारे सोच, हमारे दिल, हमारे मन और हमारे मूल का सिग्निफिकेटर है, प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम विशिष्ट गुणों की बात करें तो चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति बार बार विचार बदलने वाला, जल और नौ सैनिक बलों में काम करने वाला, भूमि को उपजाऊ बनाने वाला एक ग्रह है और बच्चा जनने में भी ये विशेष बल प्राप्त करता है। चंद्रमा व्यक्ति को बच्चा जनने का बल देता है। चंद्रमा के बारे में एक विशिष्ट जानकारी मैंने इस वीडियो में प्रदान करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चंद्रमा के बारे में और जानकारी लेने के लिए मेरी आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुँचती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।